इलाज के बाद क्या होता है क्या नहीं, आपको पूरी जानकारी। नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुजय स्नैक्स सेवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल बटन प्रेस कर लें, क्योंकि सांप से एनिमल से रेप्टाइल से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचता रहेगा। चलिए, कोई मंदिर में एक सांप दिखलाई दिया है, कौन सा सांप है कौन सा नहीं ये दिखाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। और इस वीडियो में अपना नजर जमाए रखें। चलिए बोलिए, दिखलाई दे रहा है सांप? कूलर में घुसा हुआ, कूलर में घुसा हुआ है, दिखलाई दे रहा है ना? कहाँ पर बताइए, किस जगह पर है? यहाँ से भाई, यहाँ से जब तो यहाँ से ऐसे करके आया हम लोग, हम यहाँ सोए हुए। हाँ ठीक है, यहाँ से ऐसे करके आया और इधर से हमको मंदिर का, मंदिर का वहाँ पर घुसा हुआ था। हाँ मारा फन। अच्छा चलो देखते हैं कौन सा सांप है। देखिए, ये मंदिर जो है आस्था से जुड़ा हुआ, हम लोग पूजा करते हैं ये मंदिर में, और इसी मंदिर में जो है कहीं ना कहीं कोई सांप छिप कर बैठा हुआ था। अब कौन सा सांप है कौन सा नहीं ये तो मालूम है नहीं। चलिए दिखाते हैं कहाँ, कूलर का पीछे है। हाँ हाँ, कैमरा में आ रहा है ना, इसलिए सांप है सामने सामने सामने। गेहूं सांप है, देखिए नाग सांप आ रहा है कैमरा में। अरे बड़ा हेवी बड़ा है भाई, नाग है, नाग है, बड़ा सांप है, नाग है। देखिए हमको जितना दूर लग रहा है चूहे के साथ या फिर कोई चीज के साथ इसका लड़ाई हुआ है, है? लड़ाई हुआ है, हाँ हाँ मारपीट हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा सुस्त। अच्छा अच्छा, ये जो है केचुली में, इसका आँख को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आँख को देखिए, आँख को लीजिएगा, देखिए आँख में परत चढ़ा हुआ, मतलब ये सांप जो है केचुली में आ चुका है और ये अपना स्किन को अब त्यागेगा, मतलब छोड़ेगा सांप स्किन को, अब छोड़ने ही वाला है। और ये सांप को इंग्लिश स्पेक्टिकल कोबरा, हिंदी नाग, गेहूं, बंगला गोकरो, फरिश के नाम से जानते हैं। और रात का भी करीबन 10-15 हो रहा है और इसी में आ चुके हैं सांप को रेस्क्यू करने के लिए। हमारे ही घर से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर MH टाइप, और यहाँ पर हमारे पंचायत में बहुत ज़्यादा सांप निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास में ही जो है डैम है और डैम से बहकर कहीं ना कहीं सांप जो है आपके घर में और हमारे घर में प्रवेश कर जा रहे हैं। इसे हम लोग इंग्लिश स्पेक्टिकल कोबरा, हिंदी नाग, गेहूं, बंगला गोकरो, फरिश के नाम से जानते हैं। हालांकि ये सांप में न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है, किसी इंसान मनुष्य को अगर डस ले काट ले तो फिर उसका मरना निश्चित हो जाता है। तो कभी भी ऐसा सांप अगर आपको काट लेता है, हमें काट लेता है, तो कहाँ जाना है, डायरेक्ट सरकारी सदर अस्पताल की ओर। कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, क्योंकि तंत्र मंत्र झाड़ फूक ओझा गुनी के चक्कर में आज तक ना ही किसी का जान बचा है और आगे ना ही किसी का जान बच पाएगा। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता भीड़ लगनी स्टार्ट हो गया सांप देखने के लिए ना। सांप एक ऐसा चीज है, ऐसा रेप्टाइल है, इसके नाम से लोगों को डर भय और आतंक हो चुका है। चलिए लोगों को थोड़ा कैप्चर कर लीजिएगा, काट लिया बे, अबे काट लिया बे, काट लिया, काट लिया, काट लिया बे, देखा देखा देखा, हाथ देखा देखा, हाथ देखा, काट लिया, काट लिया। देखिए कोबरा सांप जो है हमको काट लिया हाथ में। अरे भाई सांप को जाना नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसको पकड़ लेते हैं। अरे भाई देख, संभाल के, संभाल के, आराम से, आराम से। देखिए अंत में सांप जो है ध्यान दूसरा तरफ चला गया और सांप काट लिया। थोड़ा सा सामने फिर से, बाप रे बाप जलने लगा। देखिए बाहर में मेरा डब्बा होगा, थोड़ा दे दीजिएगा तो बढ़िया होगा। डब्बा दे दीजिए,
देखिए हम जैसे मुंह से ये खून को निकाल नहीं रहे, बस दाब के ये जो खराब जो खून को है जिसमें जहर मिला हुआ है उसको निकाल रहे हैं। इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है। इसमें से दिखाइए लोगों को। चलिए इसको पहले हम पैक करते हैं। बापरे बाप, बहुत ज्यादा कस के काटा है, दांत दोनों दर्द लग गया है ना। हाँ हाँ बहुत ज्यादा कस के काटा है। चलिए हॉस्पिटल में आप लोगों से मुलाकात करते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। देखिए हिल हॉस्पिटल पंचायत आ चुके हैं, यहाँ पर अपना आप इलाज करवाएंगे क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाना मना है। इलाज के बाद क्या होता है क्या नहीं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। चलिए जाते हैं। देखा आपने किस प्रकार से पलक झपकते सांप ने हमें डस लिया, और डसने के बाद ये हाथ में अभी भी स्लाइन लगा हुआ है, और ये हाथ में देखिए किस प्रकार से बहुत ज़्यादा ये क्या हुआ था, सड़ने लगा था। कोबरा के बाइट पर जगह सड़ने लगा था, इसीलिए हम क्या किए इसको हर एक रोज़ अभी ड्रेसिंग करवाना पड़ रहा है, और ये ड्रेसिंग अभी थोड़ा देर आगे करवा के लेकर आएँ और फिर आपको ये वीडियो शूट कर रहे हैं। करीबन 5 दिनों के बाद ये वीडियो शूट हो रहा है। ये वीडियो से एक ही सीख मिलता है, कभी भी अगर आपको सांप काट ले, हमें सांप काट ले, कहाँ जाना है, सरकारी सदर अस्पताल की, और कोई झाड़ फूँक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, क्योंकि तंत्र मंत्र झाड़ फूँक के चक्कर में आज तक ना ही किसी का जान बचा है और आगे ना ही किसी का बच पाएगा। इसलिए कभी भी सांप काट ले तो झाड़ फूँक झाड़ूनी के चक्कर में मत जाइए, हॉस्पिटल का सहारा ले। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट करें, और ये वीडियो से आपको क्या सीख मिला है एक छोटा सा उसके लिए भी कमेंट करें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं थोड़ा सा स्वस्थ होके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। काट लिया बे, काट लिया बे, काट लिया, काट लिया, काट लिया बे, देखा देखा देखा, हाथ देखा देखा, हाथ देखा, काट लिया, काट लिया। तो ये भी बेटा तेरे को का यार, गदा दे, काट लिया। देखिए ये कोबरा सांप जो है हमको काट लिया हाथ में। अरे भाई सांप तो जा रहा नीचे, देख कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसको पकड़ लेते हैं भाई। अरे भाई देख संभल के, संभल के, आराम से, आराम से। देखिए अंत में सांप जो है ध्यान दूसरा तरफ चला गया और सांप काट लिया। थोड़ा सा सामने फिर से, बाप रे बाप, जलने लगा।